Welcome back, my dear students of grade 6. Today in this video, we will do the back exercise of the civics chapter 7, that is district administration. Let us start today's work. Civics chapter 7, district administration. The first question is multiple choice questions. My first is, he is the head of the district. कौन होता है हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? तहसीलदार, पटवारी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, रेवेन्यू कलेक्टर. तो आंसर इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज इन चार्ज ऑफ द सब डिवीज़न. जो सब डिवीज़न होती है, जो डिस्ट्रिक्ट को आगे डिवाइड किया होता है सब डिवीजन्स में, उसका इंचार्ज कौन होता है? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, तहसीलदार, मैजिस्ट्रेट, पटवारी. तो आंसर इज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट. दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्टेशन और थाना आर लुक्ड आफ्टर बाय. पुलिस स्टेशन और थाना की लुक आफ्टर कौन करता है, कौन होता है वहाँ का इंचार्ज? दरोगा, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और द हेड कॉन्स्टेबल. आंसर इज सब इंस्पेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, He is appointed by the government to maintain land records. वो कौन है जिसे government appoint करती है land record रखने के लिए, कि किसके पास कितनी land है उसका record रखने के लिए? पटवारी, तहसीलदार, सरपंच, collector. तो correct answer is पटवारी. पटवारी is appointed by the government to maintain land record. Next our question is fill in the blanks. The first one is the headquarter of the district collector dash or in the district town. This is or नहीं आएगा बड़ा जहाँ पर. The headquarter of the district is in district town, district collector. District collector का जो headquarter होता है district town में होता है. Next है, dash of the police is highest ranking police official in the district. पुलिस में सबसे हाई रैंक मेन ऑफिसर कौन होता है? दैट इज सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. नेक्स्ट इज, द डैश हैज टू प्रोवाइड प्रॉपर गवर्नमेंट एड एंड रिलीफ ड्यूरिंग द नेचुरल क्लैमिटीज. अगर नेचुरल क्लैमिटीज मीन्स अगर भूकंप, फ्लड्स, ऐसा अर्थक्वेक, कुछ भी ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम, उस समय किसको है गवर्नमेंट की एड, मतलब हेल्प मिलती है इन सब कामों को पूरा करने के लिए, वहाँ पर रिलीफ मीन सहायता देने के लिए? तो आंसर इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. नेक्स्ट, डैश मेंटेन लैंड रिकॉर्ड. लैंड रिकॉर्ड को कौन मेंटेन करता है? तो फिल इन द ब्लैंक्स इज पटवारी. और पटवारी मेंटेन्स द लैंड रिकॉर्ड. नेक्स्ट इज आवर ट्रू फॉल्स. द फर्स्ट ट्रू फॉल्स इज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर इज़ द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर होता है वो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है. तो स्टेटमेंट सही है. तो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, अ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब डिवीज़न. डिस्ट्रिक्ट को हमने आगे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है जिसे कहते हैं सब डिवीज़न. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट इज आवर, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुपरवाइजेज द एजुकेशन डिपार्टमेंट. जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को सुपरवाइज मीन्स उसकी देखरेख करता है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है डिस्ट्रिक्ट में. तो आंसर इज ट्रू. ये आंसर भी सही है. नेक्स्ट इज आवर, द डिस्ट्रिक्ट हैज ऑलवेज बीन द पिवोटल यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. जो डिस्ट्रिक्ट जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पॉइंट होता है, मीन्स जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट से ही स्टार्ट होता है. तो इसका आंसर भी सही है, ट्रू है. स्टेटमेंट भी सही है. नेक्स्ट इज, द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज इज सुपरवाइज्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर. पंचायती राज की वर्किंग की वो काम काज कैसे हो रहा है उसकी सुपरविजन कौन करता है? डिप्टी कमिश्नर. तो ये स्टेटमेंट भी सही है. तो आंसर इज ट्रू. नेक्स्ट इज आवर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज इन चार्ज ऑफ द सब डिवीज़न. सब डिवीज़न का इंचार्ज कौन होता है? द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट इज द इंचार्ज ऑफ द सब डिवीज़न.
नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का काम क्या होता है। द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुपरवाइजेज द एजुकेशन डिपार्टमेंट। व्हाट आर द डिस्ट्रिक्ट सब डिविज़न फर्दर डिवाइडेड इनटू। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सब डिविज़न्स हैं उनकी, उनको आगे भी डिवाइड किया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है। द सब डिविज़न्स आर डिवाइडेड इनटू तहसील्स और तालुकास। जो सब डिविज़न हैं उनको फिर आगे डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट्स में, जिन्हें हम कहते हैं तहसील या फिर तालुकास, और जहाँ का हेड होता है तहसीलदार। डियर स्टूडेंट, दैट इज़ द बैक एक्सरसाइज एंड द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर 7 सिविक्स, एंड ऑल ऑफ यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड फिल द बैक एक्सरसाइज इन योर बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।